हेलो एवरीवन, आई एम मानिका सांभोर। हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपसे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगी जिससे आप इमीडिएटली किसी के भी साथ रैपो बिल्ड कर सकते हो, और इनफैक्ट आप ये भी समझ सकते हो कि जिनसे आप बात कर रहे हो वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं आपसे बात करने में या नहीं। सो हियर आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द मिररिंग एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज़ मिररिंग एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट? इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। इट्स अबाउट इमिटेशन। जब हम किसी की बॉडी लैंग्वेज को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं एग्जैक्टली द सेम वे, द वे द अदर पर्सन इज, तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एक रैपो बिल्ड कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अनकॉन्शियसली अगर आपने बिना सोचे समझे किसी की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी किया है, तो आपकी एक रैपो बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब अगर किसी जने ने ऐसे फॉरवर्ड बेंड किया और आप भी सिमिलरली फॉरवर्ड बेंड करते हो अपने आप को, तो अगेन देर इज़ अ मैचिंग कॉन्सेप्ट हेयर कि आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज मैच कर रही है। बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ मेजर रोल इन आर कम्युनिकेशन। 70% से भी ऊपर बॉडी लैंग्वेज का रोल होता है। तो फॉर एग्जांपल, आपका हेड स्लाइटली टिल्टेड है और जिनसे आप बात कर रहे हो उन्होंने भी अपना हेड स्लाइटली टिल्टेड कर दिया, तो अगेन मैचिंग कॉन्सेप्ट है। आपके हैंड्स जैसे टेबल पे हैं, जिनसे बात कर रहे हो आप उनके भी हैंड्स टेबल पे हैं, मैच हो रही है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपका पोस्चर एग्जैक्टली दूसरे पर्सन का भी पोस्चर है, आपके लेग्स क्रॉस्ड हैं उन्होंने भी अपने लेग्स क्रॉस कर लिए। या आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप जैसे बोल रहे हो आपकी टोन, आपका वॉल्यूम सिमिलर है, अगर वो मैच कर रहा है जिनसे आप बात कर रहे हो, तो अगेन देर इज़ अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो जब हमारी बॉडी लैंग्वेज कम्प्लीटली मैच होती है जिनसे हम बात करते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, तो कहीं ना कहीं हमारी रैपो बहुत स्ट्रांग बिल्ड हो रही है। तो जो लोग अनकॉन्शियसली ये करते हैं, दैट मीन्स दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू ईच अदर। बट इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रेस समबडी, आप कॉन्शियसली ऐसा कुछ कर रहे हो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच कर रहे हो आप दूसरे पर्सन के साथ जिनको आप इम्प्रेस करना चाहते हो, तो भी आप एक रैपो बिल्ड कर सकते हो एंड वेरी क्विकली यू कैन अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। अब क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, तो आप दूसरे पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके समझ सकते हो कि वो एक्चुअली आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना हेड फॉरवर्ड किया और उनका हेड वहीं पे है सेम पोजिशन पे, उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज ही नहीं किया आपकी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स देयर इज़ अ गैप बिटवीन द टू ऑफ यू। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन 100% स्ट्रांग नहीं है। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट बाई विच यू कैन अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एंड यू कैन इम्प्रेस समबडी इफ़ यू वॉन्ट टू। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।